देवतुली भाई में महाशक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 198 अर्थात 200 में दो कम। और आज का जो विषय है वो आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब ले रहे हैं। उनका विषय है कबीर का मायावाद। आप इससे पूर्व भी कबीर का मायावाद पार्ट 4 ले चुके हैं और आज कबीर का मायावाद पार्ट 5 ले रहे हैं। आप एक श्रृंखला चलाई है अपने आदरणीय काला साहब ने। अब हम आदरणीय आरएन पांडे साहब से निवेदन करते हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेक्स हैं, कि दो शब्द आदरणीय डॉक्टर काला साहब के समक्ष है। आदरणीय आरएन पांडे साहब, धन्यवाद। श्री अरविंद शर्मा जी, आपका प्रयास, जैसे मैं कहता हूं गंगा प्रवाहवत चल रहा है, 200 होने वाले हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम लोगों को जोड़ा आपने, आपका बहुत आभार। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर श्री आर के कालरा साहब के बारे में कुछ कहने को कहा गया है। मेरा परिचय इसी फोरम पे कालरा साहब से हुआ है। मैं जितनी भी वार्ता हुई, विचार विमर्श हुए, उसमें ही जो विचार कालरा साहब के आए और अब जो वक्तव्य दिए, उन्हीं से मैं इनके बारे में जो भी निष्कर्ष है वो निकाला है मैंने। एक तो डॉक्टर कालरा साहब एमएमएच कॉलेज में तो शैक्षणिक पूरी पृष्ठभूमि के हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा कि शिक्षा में कोई मुकाबला नहीं। श्री वागी शर्मा जैसे योग्य शिष्य इसी फोरम पर हैं और ये भी कह चुके हैं बागी शर्मा जी कितने सैकड़ों हजारों योग्य छात्र निकाले। तो एक तो गुरु हैं, शिक्षक हैं, एक तो ये दृष्टि मुझे लगती है। दूसरा, जब भी कोई आध्यात्मिक क्षेत्र का वक्तव्य होता है तो डॉक्टर कालरा साहब की ये मैंने विशेषता देखी कि वो अपनी जिज्ञासा अवश्य प्रकट करते। जिज्ञासु होना एक बड़ा गुण है और उनकी जिज्ञासा कभी भी दोष दर्शन की दृष्टि से मैंने नहीं देखी। वो अपनी बात को रखते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अच्छी बात दूसरे के मुंह से कहलवाना चाहते हैं, जानते हुए भी तब भी उस बात को रखते हैं, ब्रह्म के बारे में है चाहे किसी के बारे में है। और एक और बात मैंने रीड की इनके बारे में कि आप माध्वाचार्य के विशिष्टाद्वैत के सी भी जानकार हैं या उससे प्रभावित हैं। मैंने कई बार इनके मुख से जब भी अद्वैत की बात चली तो विशिष्टाद्वैत की बात अवश्य पड़ी, क्योंकि मैं उसको पकड़ता हूं उस बात को, मेरी इनसे कोई 1-to-1 वार्ता नहीं हुई है तो मैं जानता हूं। इससे ये समझ में आता है कि कालरा साहब की पकड़, कालरा साहब का अध्ययन, कालरा साहब की सोच, जैसे ओंकार के बिंदु पर उस समय इन्होंने कहा कि सब तरफ मुझे दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है कि साधना में भी आप बहुत आगे हैं। अब बात है कबीर के मायावाद की, तो आपके वक्तव्यों से यह लगता है कि आपका अध्ययन बहुत विशद है इसके बारे में। जहां तक पिछली बार के वक्तव्य का प्रश्न है, जहां तक मैंने मोटी बुद्धि से समझा, इन्होंने कुछ बिंदु बताए थे कि माया से पार पाने के लिए कबीर ने क्या कहा। गुरु तत्व के बारे में बताया, बहुत उदाहरण दिए, संतों के बारे में बताया, सत्संग की महिमा बताई, एक और बात कही सुमिरन, जिसे हम स्मरण कहते हैं, जाप कहते हैं, भगवान का नाम का स्मरण कहते हैं, और एक संक्षेप में बात कही थी सेवा। ये बिंदु जहां तक मुझे याद पड़ता है ये पिछले वक्तव्य का सार। और ये भी इशारा दिया था कि अब मैं प्रेमवाद पे या और किसी क्षेत्र में आगे बोलूंगा। तो मैं स्वागत करता हूं, हम लोग सब बहुत अवभाग्य हम सब लोगों का ऐसे विद्वान को सुनने का, और मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर कालरा से कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर कालरा से धन्यवाद पांडे जी।
आज का जो विषय मिला है कबीर का मायावाद भाग पांच, गलती शुरू से ये हो गई, गलती क्या, ईश्वर की इच्छा ही ऐसी थी इसको बजाय कबीर का मायावाद के कबीर दर्शन भाग वन भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच कहते, तो मेरे मन में यही था कबीर दर्शन लेके चलूं। फिर अंदर मन में आया कि चूंकि इसमें पहले हम मायावाद को लेते हैं, फिर भक्तिवाद को ले लेंगे, उसके बाद फिर रहस्यवाद ले लेंगे, फिर सुधारवाद ले लेंगे, फिर उनकी जो उल्टवासियां उनको लेंगे, उनकी प्रासंगिकता ले लेंगे। अब चूंकि सीरीज शुरू होगी उसके बाद शर्मा साहब बोले कि यही सीरीज का जो है ना वो एक ढंग है, कैसे 1 2 3 तो बजाय कबीर दर्शन के इसका नाम मायावाद हो गया। चलिए जैसी इच्छा की ईश्वर की। ओम शांति शांति शांति। गुरु सेवा के भक्ति कमाई, जैसे पांडे साहब फरमा रहे थे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने भक्ति के कुछ तत्व लिए, गुरु तत्व की महत्ता क्या है, स्मरण का रोल क्या है, सेवा का रोल क्या है, सत्संग का क्या रोल है, संतों का क्या रोल, ये सब बातें डिस्कस पीछे हो चुकी। आज हम ले रहे हैं भक्तिवाद को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि संसार माया जाल मिथ्या संसार जिसको शंकराचार्य कहते हैं, व्यवहारिक जगत में व्यवहार करना ही है, लेकिन जो जैसे कहा पीछे माया जो नहीं है, मामन नहीं या मैंने जो जो नहीं है उसने परिवर्तनशील रहना, एक दिन खत्म भी हो जाएगी। उस माया जाल से निकलने के लिए, इस प्रपंच से निकलने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग का सहारा, भक्ति योग इन सब में सरल है और एडेप्टेबल है। तो भक्ति योग में संत कबीर ने एक दफा कहा, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई जो ए मानुष से ही पाई। अगर मनुष्य से ही मिली है तो गुरु सेवा से भक्ति कमा। निराकार की सेवा संभव नहीं है, निराकार के तो केवल जो गुण है स्वीकार ये है, स्वीकार करो। सगुण गुरु की भक्ति सुनने उस पर जोर देते हुए, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई जो ए मानुष से ही पाई, इस देह को सिमर ही देव, सो देही भज हर की सेव। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, भज ले रे मन सारंग पानी। अब न भजसी भसी का भाई, आया अंत न भजया जाई, जो अब कर ही सोई सार, फिर पछताए न होत कुछ पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव, गुरमिलता के खुले कपाट, बहुर नावी जान जोनी बाट। एतरा अवसर एतरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जीत यहार, बहुविध कयो पुकार। संत कबीर कहते हैं कि जो कुछ मेरे लिए संभव था मैंने कह दिया है, अब आप इस बाजी को जीत जाओ या मनुष्य रूपी जीवन को हार के चले जाओ, ये आपकी मर्जी है। 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ तप नहीं किए, 30 बरस कोई देव नहीं पूजा, फिर पछताने वृद्ध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोची भुजंग बलो। उम्र खा गया काल, जो कुछ बची है उसको संभाल ले। तो संत कबीर कहते हैं 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ तप नहीं किए, 30 बरस कोई देव नहीं पूजा, फिर पछताने बिरध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोची भुजंग बलियो। सोखे सरवर पाल बंधावे, लूने खेत तिवार करे, कि जब खेती सूख गई है अब सरवर पर पाल बांध रहा है, पुल बांध रहा है ताकि पानी इसको मिल सके, अब कोई बात। सूखे सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथियार करे, आयो चोर तंद्र लागो, मेरी राशिद मुगिल फिरे। चरण शीश कर कंपन लागे, चरण शीश कर जब सिर और पैर और हाथ कांपने लगते हैं, चरण शीश कर कंपन लागे, तब धर्म की आस करे,
कहत कबीर सुनो रे संतो अंधन कछुए लै नि गयो पाई तलब गोपाल राय की माया मंदिर छूट। जिस दिन गोपाल राय की गोपाल शब्द भी इन्होंने खूब अपने लिटरेचर में लिया है, जिस दिन गोपाल राय का आदेश आ जाएगा उस दिन संसार को छोड़ के चलना पड़ेगा। संसार तो केवल एक सराय है जहाँ कुछ समय के लिए जीव आया है और जैसे समय पूरा हुआ उसके बाद रुकने के लिए क्षण भी मिलने वाला नहीं। संत कबीर बड़े बेवाक उत्तर देने वाले थे। एक दफा किसी ने पूछा कि आप चने भी खा रहे हैं और राम राम का नाम भी ले रहे हैं तो जूठे मुंह से भगवान का नाम ले रहे हो, ये कैसा आपकी भक्ति है, कैसी भक्ति है? तो संत कबीर ने कहा कि शरीर तो वैसे ही रक्त मांस मज्जा वीर्य इत्यादि का एक गीली थैली है, जिसे शंकराचार्य कहा करते थे। इस गीली थैली को अगर कोई चीज पवित्र करती है तो राम नाम ही है। राम नाम चने खाने से जूठा नहीं होता बल्कि जूठे को सच्चा करता है राम। तो इस तरह से उन्होंने किसी ने सवाल किया कि संत कबीर आप कौन सी राम को मानते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट मेले, एक तो दशरथ का बेटा है अयोध्यापति राम, दूसरा घटघट में है अंतर्यामी के रूप में है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक पूरे संसार में सर्वत्र और सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम ने संसार की रचना की है, और वो आप इनमें कौन सा राम पूजते हैं कृपया बताओ। तो संत कबीर ने एक सवाल उठा दिया कि एक पूत तेरे दादी का जाया, एक पूत तेरी दादी का बेटा, एक पूत तेरी बुआ का भाई, एक पूत तेरी दादी का बेटा, एक पूत तेरी बुआ का भाई, एक पूत तेरी माँ का पति और एक पूत तेरी नानी का जवाई। अब इनमें कौन से पूत को आप क्या कहोगे? यानी एक तो तेरी दादी ने पैदा किया है, एक तेरी बुआ का भाई है, एक तेरी माँ का पति है और एक तेरी नानी का जमाई है, इनमें कौन से राम? वो तो एक ही आदमी है जिसके ऊपर इशारा किया जा रहा है। तो संत कबीर ने कहा कि एक ही राम है, राम अलग अलग नहीं है, राम एक ही है जो सर्वव्यापक है निराकार जिसका कोई आकार नहीं और जो नाम और नामी से अलग है, जो नामी निराकार परमात्मा है उसी का नाम ओमकार है, उसी का नाम ओम है, उसी का नाम आमीन, उसी का नाम लागोस है। तो एक ही केवल ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई उसका अलग शक्ति नहीं। दो जगदीश कहाँ से आया, कहो कौने भरम आया, अल्लाह एक करीमा केशो, कहो कौने। महात्मा कह रहे हैं कि एक ही राम है, एक नूर ते सब जग दे कौन भले को मंदा, ता अल्लाह के गत नहीं जाने गुरु दीना मीठा, कह कबीर मैं था पाया, कह कबीर मैं पूरा पाया, सब घट साहेब हर घट में और पूरा सर्वव्यापक जो एक ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं। इसी से प्रेम करना है और प्रेम करने के लिए जैसे चना खाते और राम राम कहने कोई पंक्ति नहीं है। एक ही माँ जब अपने बच्चे से प्रेम करती है तो माँ का बच्चे से प्रेम करना कुछ समय का पाबंद नहीं, समय से बदलाव नहीं है। बच्चा जब चाहे माँ की गोदी में आके बैठ सकता है, माँ से चिपड़ सकता है और दूध मांग सकता है, कुछ भी सेवा मांग सकता है। कोई बोले आप ईश्वर की गोदी में, ईश्वर आपका पिता है, ईश्वर आपका परमेश्वर है, आप उसकी संतान है, तो संतान पिता की गोदी में जब चाहे जैसा चाहे बरते नहा करके बैठे, कोई ऐसा नियम व्यवहार नियम ऐसा कोई पाबंदी नहीं लागू होती जिस तरह से माँ के साथ पिता के साथ बच्चा बिल्कुल फॉर्मल नहीं होता। एक दफा काशी चूंकि हमेशा विद्वानों की नगरी रही है, 500-600 साल पहले भी कोई बड़ी बात नहीं थी ये सब था, तो महापंडित पद्मनाथ ने चारों वेदों का अध्ययन किया था, गीता सारे पुराण छियों शास्त्र इनका अध्ययन किया था, और अध्ययन करने का जगह जगह जाकर उन्होंने लोगों को
महात्माओं को ज्ञानियों को परास्त किया और अपनी विजय कायम करते हुए चले आ रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने काशी का रुख किया, काशी में आना चाहते थे, तो सारे ब्राह्मण मिलकर के आपस में विचार करने लगे कि काशी नगरी तो भगवान शिव की नगरी है, और अगर हम लोग हार जाते हैं तो काशी का नाक जो है वो नीचा हो जाए, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। उन्होंने विचार किया, मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस तरह से महान पंडित पद्मनाथ काशी आ रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जाए। तो कहते हैं ये जवाब मिला, ये आपस में राय बने कि संत कबीर को अगर वो हरा देते हैं, संत कबीर हमारे यहाँ एक ऐसे संत हैं जिनके पास उनको शास्त्रार्थ के लिए भेजा जाए, जब भेजा जाए तो उसके बाद अगर वो हार जाते हैं तो हम मान लेंगे कि काशी हार गए, काशी में ऐसा कोई पंडित नहीं तुम्हारा जो मुकाबला करे। जब उसके बाद ये प्रस्ताव लेकर के संत कबीर के पास पहुंचे तो संत कबीर ने कहा, अगर भगवान शंकर का ऐसा भोले का ऐसा आदेश है तो ठीक है, स्वीकार करता हूं, पर आप तो मुझे जानते ही हो कि मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मेरी तो पढ़ाई लिखाई इतनी ही है, मैं वेदों का ज्ञान कहाँ जानता हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। खैर उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो हैं बहुत बहुत पढ़ लेते हैं, अपने आप को विद्वान मानना शुरू कर देते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित। जिसने प्रेम करना सीख लिया, जो प्रेम ईश्वर से करता है, दिल से ईश्वर के साथ है, किसी और पर आश्रय नहीं करता। भगवान कृष्ण ने जिस तरह से इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया, बोले एक परमात्मा को जब मैं मानता हूं, एक परमात्मा को छोड़कर जो नीचे उनके नीचे देवी है देवता है, अगर मैं उनकी पूजा करता हूं तो भगवान सच्चिदानंद की निरादर है, क्योंकि उनके सामने अगर मैं उनके प्रिय से कुछ मांगता हूं तो उनका निरादर है, ये नहीं संभव। मैं जो सत्यचित आनंद परमात्मा है, परमात्मा की पूजा करूंगा, किसी देवी देव, क्योंकि देवी देवता जो कुछ देंगे आप उन्हीं से लेकर देंगे, उनके अपने पास तो कुछ है। और भगवान कृष्ण का यह स्वयं मानना है कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं उनमें जाकर के मिलता है, जो पितरों की पूजा करता है पितरों को जाकर के मिलता है, जो भूत प्रेतों के विश्वास करता है उनको मानता है उनमें जा मिलता है, और जो मुझको भजता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो मेरे ही धाम में आता है। उन्होंने कहा एक ईश्वर के अलावा किसी और की भक्ति नहीं सुन। उनका पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पढ़ पढ़ के पत्थर भया लिख लिख भया जो ईंट। कई लोग क्या करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण लिखते रहते हैं, शिव शिव लिखते रहते हैं, 1 लाख लिख लिया, 1 करोड़ तक पहुंच गया, उसके बाद मन के अंदर क्रोध और अहम लगातार बराबर है और बढ़ता रहता है कि मैंने इतना ज्यादा कुछ कर लिया है। कोई तीर्थाटन करता है तो इस बात का भी मान कि मैं इतना तीर्थ करके आया हूं। तो पढ़ पढ़ के पत्थर भया लिख लिख भया जो ईट, कहो कबीरा प्रेम की लगी ना एक हूं छीट, कि प्रेम की तो एक छीट भी लगी है, जरा तक छुआ भी नहीं है, वहां तक पहुंचे ही नहीं, के पढ़ पढ़ के अपने विद्वान मानना शुरू कर लिया है। संत कबीर ने उनको समझाया। खैर समय तय हो गया, समय तय होने के बाद जब पद्मनाथ से मुलाकात होने का समय आया तो संत कबीर ने कहा कि आप पद्मनाथ को यहीं बुला रहा हो, जगह जगह इतने सारे लोग हैं, किस किस से वार्ता करेंगे, मुझसे वार्ता ठीक है आपने जैसे आदेश किया करेंगे, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास यहां पर आ। उसके बाद जब पद्मनाथ से कहा गया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता, पद्मनाथ वहां पर आ गए। जब पद्मनाथ आए तो उन्होंने कहा संत कबीर ने कि महात्मन मैं पहले एक आपसे सवाल करता हूं। उनका ठीक है करो। बोले पढ़ समझे या समझ पड़े,
पढ़ समझे या समझ पड़े, बोलो तुम पंडित राय, कबीर की ये वाणी सुन पंडित जी चक्राए। जब संत कबीर ने पहले ही बम फोड़ दिया कि ये बताओ कि आप जो हैं वो पढ़ के पंडित, पढ़ के समझे हैं या समझ के पढ़े हैं, पहले हमें ये बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए, मैं उसके बाद कल आपसे शास्त्रार्थ करता। चले गए और शाम को जब वो अपनी संध्या करने का समय था, आरती वंदन करने का समय था, एक पीपल के नेड़ के नीचे जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वहां उन्होंने ये सब किया तो उसके बाद भगवान का ये मानना कि चूंकि इसने इतना कुछ पढ़ा है, सब कुछ किया है, इस तरह से ये बुरी दशा को चला जाए ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसी लीला रची कि जब रात को सोए तो अचानक क्या देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक डाली है, वहां पिशाच बैठे हुए और एक डाली खाली है। उस डाली पे कोई पिशाच नहीं था, तो सब आपस में बातें कर रहे थे कि ये खाली डाली जानते हो किसके लिए है, ये महापंडित पद्मनाथ जो है जिसने ज्ञानियों का अपमान किया है, उनका निरादर किया है, ये महापिशाच बन करके यहाँ आने वाला है उसके लिए, कल वो हार जाएगा और उसके बाद वो अंत में पिशाच बनेगा और यहाँ आकर के विश्राम, ये जगह उसके लिए। और हम जानते हैं कि कितना बुरा जीवन या किस तरह से यात्रा कट रही है, ईश्वर करे इसका कल्याण हो जाए, नहीं तो उसके लिए जगह रिजर्व। तो संत कबीर जब ये आया तो उसके ध्यान में बात आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ के भी समझा नहीं, समझ के पढ़ा नहीं, मैं तो सिर्फ रट्टा लगा रखी और उसके बाद अपने को विद्वान मानना शुरू हो गया हूँ, इतने सारे शास्त्रों का मुझे अगर ज्ञान है तो इसका कोई मतलब होना चाहिए, कुछ इससे निकलना चाहिए। तो उन्होंने जाकर के संत कबीर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बोले मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं कर सकता, आप जो हैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको ललकारा है, शास्त्रार्थ के लिए कहा है, ये कोई अच्छी बात मैंने नहीं की है, आप कृपया मुझे क्षमा कर। तो संत कबीर ने कहा कि एक ही केवल साध्य रखो, साध्य बदलना नहीं है, एक ही केवल इष्ट की पूजा करो, अगर इष्ट बदलते रहते हो अंत में किसको पुकारोगे, कौन तुम्हारी सहायता करने के लिए आएगा, और जो अंत में किसी की मति होती है, जीवन भर की कर्म होते हैं उनके आधार पर फिर अगली जीवनी तय हो जाती है। तो एक पर विश्वास रखो, एक को छोड़ो नहीं, एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाये, दूसरा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मर्द। संत कबीर गुरु नानक कहा करते थे कि एक ही केवल स्मरण करना है, केवल एक ही केवल आस रखनी है, किसी और के पीछे नहीं जाना, क्योंकि एक को अगर जानोगे, एक ही पूजा करोगे तो आप सही पूजा करते हो। और वो कौन है, आज सच जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच, जो पहले भी सत्य था आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा, सत्य के अलावा वहां कुछ भी नहीं है, ऐसे सत्य की, ऐसे सच की पूजा करो, जो कि सत्य की ही जय होती है, जैसे महात्मा कह रहे थे मुंडक उपनिषद में आया है कि सत्यमेव जयते, सत्य ही केवल विजय होता है, जो सच है जो कभी बदलता ही तीनों कालों में एक जैसा रहता है, केवल केवल उसी के ही संग लगो, और कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एको साधो सब सद है, सब साधे सब जाए, रहीमन मोल नहीं संचिव फूले फले। रहीमन कहा करते थे कि एक ही केवल मूल की पूजा कर लो, मूल को आप सींच लो,
जो सारे डालियों को, फूलों को, फलों को, ब्रांचेस को, सबको रस मिल जाता है, किसी और को नहीं पूरा। तो तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बल गई जिद दे कूटित। संत का जीवन जो होता, भक्त का जो जीवन होता है, वो ऐसा ही होता है कि केवल तू ही तू ही तू ही तू ही सत्य है, तू ही राका, तू ही सत्य है, मैं कुछ भी नहीं हूं। इस तरह से जो तू ही करता है, वो इसमें ही सा करके तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बल गई जिद दे कूटित। मेरे सारी जो राग देश थी, अहम था, मत था, मत्सर, वो सब खत्म हो गया है, केवल तू ही था। तो जो भक्ति है, भक्ति नाम है प्रेम का, प्रेम नाम है भक्ति का, प्रेम नाम है आनंद का, प्रेम नाम है शरणागति का, प्रेम नाम है श्रद्धा का, प्रेम नाम है समर्पण का। तो प्रेम जो है वो मोह से अलग है। प्रेम और मोह दो चीजें हैं और दोनों चीजें अपने आप में अलग अलग हैं। जो प्रेम है वो अलौकिक है, प्रेम अलौकिक है, जबकि मोह लौकिक है। प्रेम आनंद है जबकि मोह राग है। प्रेम निरंतर वर्धमान है जबकि राग यानी मोह लगातार घटता हुआ है। क्योंकि जो मोह है, जो राग है, वो संसार से है, वो पदार्थों से है, और पदार्थों का सुख इंद्रियों का सुख, और इंद्रियों का सुख एक समय पर अपना पूर्ण हो जाता है, उसके बाद अगर मिलता है तो उस सुख का कोई वो सुख उल्टा दुख में बदल जाता है। तो प्रेम जो है, प्रेम वर्धमान है जबकि मोह यानी राग ये लगातार घटने वाला है। प्रेम आनंद है, महारस है, अत्यांतिक सुख है, भूमा है। प्रेम के समान कुछ रसो वैसा, स्वयं भगवान का नाम आनंद है, प्रेम है। तो प्रेम जो है अत्यांतिक सुख है, प्रेम आनंद है, महारस है, भूमा है, जबकि मोह स्वार्थ है। यह मोह लेना लेना है, लेना देना है, जबकि आनंद केवल देना ही देना है, देना ही देना, देना देना आनंद है, प्रेम है, जबकि लेना देना, लेना लेना ये व्यापार और स्वार्थ में आते हैं, ये मोह। प्रेम किसी इच्छा से नहीं किया जाता, जबकि किसी कामना से नहीं किया जाता, जबकि मोह जो है उसके पीछे कामना छिपी, उसके पीछे स्वार्थ छिपा है। मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी पत्नी को मैं खुश रखूंगा, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मित्रों को, दोस्तों को, संबंधियों को सुखी रखूंगा, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। उस मोह के पीछे जो है वो मोह संसार है, मोह राग है, और राग जो है अगर उसमें कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध भी है और परेशानी भी है। लेकिन प्रेम में क्योंकि कोई कामना ही नहीं है, अगर कोई प्राप्ति नहीं होती तो प्राप्ति की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए जो कुछ मिला वो ठीक है, मिला, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो किसी तरह कोई रोष नहीं। मोह जो है वो मारता है, प्रेम तारता है। प्रेम यानी भक्ति ये तारता है जबकि मोह मारता है। चींटे ने मोह किया गुड़ के साथ, चिपट गया, जरा खींचो तो टूट जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। प्रेम भंवरे ने किया गुलाब के साथ, वो उसे
उसे तकलीफ नहीं देता, छोड़ देता है। मोह प्रेम में कोई किसी तरह का, प्रेम में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, जबकि मोह के साथ सब चीजें हैं, ये क्रोध लोभ मोह इत्यादि साथ। तो मोह नहीं करना, प्रेम करना। और प्रेम जो है अलौकिक, जैसे मैंने कहा, अलौकिक का मतलब होता है कि केवल प्रभु से, ईश्वर से करना, एक सत्ता जो चैतन्य सत्ता है, जो सत्य सत्ता है, इसके साथ जुड़ना जो है ये प्रेम। और प्रेम जो है वो कुछ लक्षण है प्रेम के भी। पहली बात, प्रेम अहतुकी निष्काम होता, प्रेम में कोई कामना नहीं। अगर कामना है तो प्रेम नहीं, बल्कि मोह है, स्वार्थ है, राग है, वो मोह नहीं, वो प्रेम नहीं। दूसरे, प्रेम अनन्यता है, प्रेम अनन्यता मानता है, अन्य कोई नहीं, बस केवल ईश्वर ही है जो मेरा इष्ट है, केवल यही है और कोई नहीं। अगर अन्य को भी आपने रास्ता दिया हुआ है, अन्य पर भी आपका इशारा है, टिकाना है, तो फिर अनन्यता नहीं। अनन्यता का मतलब होता है अन्य नहीं, अन्य नहीं। प्रेम निरंतरता मांगता है, प्रेम अहतुकी होता है, निष्काम होता है, प्रेम अनन्य होता है, और प्रेम निरंतर होता है। ये नहीं कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे तो दुख का है। ऐसी अवस्था में प्रेम की अवस्था निरंतरता, प्रेम निरंतर होता है, बिना किसी लोभ के, स्वार्थ होता है, माँ का बेटे से, बेटे का माँ से, पिता से, ये सब निरंतर है, कोई समय की वो नहीं। प्रेम कहते हैं भूख को, भूख जब लगी हो, जो वस्तु मिलती है, यानी जैसे नींद न देखे, वो नींद को नहीं पता, खाट में हूं कि जमीन पे हूं, बिस्तर लगा कि लगा, नींद तो नींद है, जब नींद आ जाती है तो आदमी कुछ कहीं भी सो जाता है, जमीन पर भी सो जाता है, नींद आ जाती है। जब नींद ना हो तो बहाने होते हैं कि नींद नहीं आ रही, बिस्तर अच्छा नहीं है, पलंग छोटा है, पलंग की डायरेक्शन सही नहीं है, इसकी वास्तु सही नहीं है, सब बातें उसमें है। तो भूख जो है, प्रेम जो है, निरंतर बढ़ता रहता है, जो है ठीक है और बढ़े, प्रभु के साथ प्रेम मेरा जो है और बढ़े और बढ़े और बढ़े। जिस तरह से कामी पुरुष और दामी पुरुष काम और दाम के लगातार चिंतित रहता है, ऐसे ही उनके पास है पर और मिले, एक गाड़ी है दूसरी मिले, बड़ी मिले, तीसरी हो जाए, ये सब उनके अंदर कामना रहती। कामी आदमी काम के प्रति, दामी दाम के प्रति, ऐसे ही कक्कड़ सब कह रहे थे, इस उदास कह रहे थे, प्रभु मुझे तुम ही अच्छे लगते हो, तुम ही मुझे मिलते रहो, तुम ही तुम्हारा ध्यान मुझे बना। तो प्रेम की जो भूख है, जो प्रेम की भूख है, वो प्रेम और बढ़े और बढ़े और बढ़े, ये मन में रहता है। तो महात्मा कहते हैं कि प्रेम जो है वो, एक दफा किसी शायर ने कहा, आहे सरदो रंगे जरदो, यानी प्रेम का लक्षण क्या है, आहे सरदो रंगे जरदो चश्मेतर इंतजारी बेकरारी बेसब्र कम गुफ्तनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम। यानी ये विशेषता अगर है प्रेम में, एक तो ये है कि आहे सरदो, आहे सरदो का मतलब ये होता है कि ईश्वर के लिए निरंतर आहें भरना, आंसू बहाना कि ईश्वर मुझको मिले। रंगे जर्दो, रंग जर्द हो जाए, पीला हो जाए प्रेम के अंदर, ये अपनी कल्पना, इमेजिनरी फिगर्स हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रेम को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया है कि आहे सरदो रंगे जर्दो चश्मेतर,
निरंतर चश्मों चश्मा बहता रहे आंसुओं का, इंतजारी बेकरारी इंतजार बनी रहे कि कब मेरे गुरु आके मुझे मिलते हैं, ईश्वर कब मुझे दर्शन देते हैं, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, गुरु के जरिए उनका ज्ञान हुआ है, तो गुरु मुझे कब मिलते हैं। ये जो इंतजारी है, बेकरारी है, बेसब्री, इंतजारी बेकरारी बेसब्र, कम गुफ्तनों कम बोलना, मौन रख लेना, कम खुर्दनों यानी कम खाना खाना, ख्वाबे हराम नींद ना आना, यानी कुछ ऐसी बातें महात्मा ने कही कि अगर ये सब हो जाता है, कोई धन चाहता है, कोई सफलता चाहता है, पर प्रेम जब मिलता है तो उसमें धन भी मिलता है, सफलता भी मिलती है और आनंद भी आता है। तो महात्मा कहते हैं इस तरह का जीवन जो है भक्त का होना चाहिए। अब ये सब बातें अगर हैं किसी के अंदर, उसे भक्त कहा जा सकता है, वो भक्त है। भक्त का जीवन कैसे होता है? कोई सन्यासी नहीं है भक्त शरीर छोड़ के चला गया, मैं घर छोड़ के चला गया हो, या कहीं जंगल में वास करता हो, जो ग्रस्त में रह करके भी अपने सारे कार्यों का अंजाम देता है, कार्यक्षमता के साथ सबके कार्य संपन्न कर सबको संतुष्ट करता हुआ जीता आगे बढ़ता है, उसे भी सन्यासी ही समझना चाहिए। तो संत का भक्त का जीवन कैसा होता है? भक्त का जीवन, एक दफा अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि भगवान जो भक्त होता है वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे सोता है, कैसे बातें करता है, सब बताइए। तो भक्त का जीवन यह होता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो। भक्त की जिंदगी का पहला मकसद होता है कि मैं जहां भी देख जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, मुझे तू ही तू नजर आता है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तू ही सत्ता है, तूने ही कामयत, तूने ही कामना की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तूने ही कामना की कि मैं संसार में विचरण करूं, प्रकृति को मैं प्रकट करके जगत की रचना करूं और संसारों को उनके कर्मफल, अमन जीवों को उनके कर्मफल का भुगतान देने के लिए संसार में उतारूं, तो तेरे अलावा कुछ था ही नहीं, तो मैं तेरे अलावा किसको देख, जहां देखता हूं वहां, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूं। इतनी ऐसी निगाह मिल जाए कि निगाह को वो नजर दे दे जिस पर भी निगाह डालूं तेरी तस्वीर, यानी जिस पर भी निगाह डालें वो परमात्मा वो तेरा रूप हो जाए। तो पहली बात, भक्त का जीवन यह होता है कि वह जहां देखता है पर प्रभु के दर्शन करता है। दूसरा, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बल गई जित देखूं, सारे दोष खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैं जहां देखता हूं तू है और मैं तू तू करता तुझ में समाता रहता हूं, इसके अलावा कुछ और है ही। तीसरे, राजी रहूं मैं तेरी रजा में, ईश्वर जो तू करता है, जो ईश्वर कृपा से हो रहा है, इसी को ही मानता रह, इसे कहते हैं भाना मानना, यानी जो हो गया, जो घटना घट गई उसको स्वीकारोक्ति, उसको स्वीकार करना भाना मान। राजी रहूं मैं तेरी रजा में, मानता भाना रहूं, यहां यूं भी वाह वाह है वहां वो भी वाह वाह है, कि मैं जहां देखूं तू मिले, हर किसी में तेरे दर्शन करूं, उसके बाद तू ही तू करता रहूं, और उसके बाद जो तेरी रजा हो, जो तेरा भाना बरत जाए, जो तू घटना घटा दे, उस घटना को एज इट इज स्वीकार करूं। चौथे, बिना कोई शिकवा, कोई यानी प्रेम में शिकवा तो है ही नहीं, सिवाय शुक्राना के, ईश्वर तेरा शुक्र, जो कुछ तूने मुझे दिया तेरा शुक्र है, तेरे तेरी बड़ी भारी कृपा है तूने मुझको दिया है, और वो जो शुक्राने में रहता है वो शिकवा क्यों करे, शिकायत तो वो करेगा, असंतोष ही होता है, जो संतोष में रहता है वो क्यों क्यों शिकवा करे, शिकवा नहीं करता वो, केवल संतोष में रहता है, केवल शुक्र करता रहता है कि ईश्वर तूने मुझे जो दिया है मेरा कल्याण है इसी।
भक्त फिक्र नहीं करता, जिक्र करता है। फिक्र का मतलब चिंता, चिंता जैसे हम सुनते हैं चिता के समान है, चिता शरीर को जलाती है, चिंता भी शरीर को जलाती है, मन तन दोनों का नाश करता है। तो वो फिक्र नहीं करता, जिक्र करता है, यानी ईश्वर का जिक्र, जहां मौका लगे, जहां कोई समय आ पड़े, ईश्वर की बात को छेड़ देना, ईश्वर की बात को डिस्कस करना, उसके बारे में सुनना, संकीर्तन सुनना, संतों की सेवा करना, संतों के साथ मिलना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, यानी ये जो उसके उसे ये सब अच्छा लगता है। तो शेख फरीद कहा करते थे सूफी संत, फिक्र करेंदे बांबरे, फिक्र करेंदे बाबरे, जिक्र करेंदे साध, यानी पंजाबी भाषा यूज करते थे पाकिस्तान में। तो जिक्र फिक्र वो करते हैं जो बावरे होते हैं, जो पागल होते हैं, जिक्र वो करते हैं वो साधु होते हैं, जो संत होते हैं। फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरा फिक्र करेगा आ। ए फरीद तू उठ, जिक्र कर, ईश्वर की चर्चा छेड़, ईश्वर के साथ जुड़, और फिक्र तेरी स्वयं करेगा, कोई और तुझे फिक्र की आवश्यकता नहीं है, जब तेरा जिम्मा उसने ले लिया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जो मेरा भक्त बन जाता है वो, उसको मैं संसार सागर तुरंत पार कर देता हूं, संसार सागर से उसका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं उतावला रहता हूं जो मेरा भक्त बन। तो जो भक्त है अर्जुन, ये संकल्प कर कि मेरा भक्त जो है वो अधोगति में नहीं जाएगा, अधोगति में नहीं जाता है, केवल उसे ऊर्ध्व गति मिलती है, ये भगवान का स्वयं अपना उद्घोष। तो जो भक्त होता है इस तरह से वो संसार में जीता है। भक्त का जो मन होता है वो निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और निर्मल मन जो है, गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं मुझे कि निर्मल मन, निर्मल मन भाता है, छल और कपट मुझे अच्छा नहीं लगता। जिसका मन निर्मल हो गया वो ईश्वर के नजदीक हो गया। तो जो प्रेमी है, जो भक्त है, उसका मन निर्मल हो जाता है। एक दफा कहा जाता था कि किसी जगह संत कबीर अपने दोस्त के साथ खड़े थे, तो पीछे से कबीर 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 झाड़ी के बीच आवाज आ रही थी। तो किसी ने कहा ये संत कबीर कहाँ से आवाज आ रही, तो देखा स्वयं भगवान बैठे कबीर को पुकार रहे हैं। तो कबीर ने वहां लिखा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि प्रे कहत कबीर कबीर। तो संत कबीर की ये महिमा कि जिसका मन निर्मल हो गया वो ईश्वर के नजदीक हो गया, वो प्रभु को प्राप्त कर। इसके बाद भक्त जो तो उसका जीवन यह है कि एक जन्म तो ये रज वीरज का बना हुआ है, माता पिता ने दिया है, एक जीवन नादी जन्म होता है जो गुरु कृपा से मिलता है। तो नादी में अपने पुराने शरीर को, पुराने जन्म को मारना पड़ता है, उसके बाद नया जन्म हो जाता है नादी जन्म। तो जो रज बीरज का जन्म है वो खत्म हो जाता है और नया जन्म मिलता है। तो संत कबीर ने कहा कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से जग डरता है, क्योंकि क्योंकि कहा जाता है ना अंतर की यात्रा करो, अंतर की यात्रा करने से मन को मरना पड़ता है, मन मरने से डरता है। ऐसे उन्होंने कहा कि जो लोग मरने से डरते रहते हैं वो के जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बपरा डूबत डरा रहा किनारे, मैं किनारे बैठा रहा दरिया सागर प्रेम का, यानी दरिया जो सागर है वो प्रेम का है, इसमें जो डूब गया वो तर गया, जो नहीं डूबा वो खड़ा रह गया, फिर आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। तो जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही से पाए पूर्ण परमानंद।
आगे जो भक्त होता है वो वर्तमान में जीता है। अभी नैफ साहब पीछे कह रहे थे कि जो भक्त होता है, जो प्रेमी होता है, वो वर्तमान में जीता है, पुरानी बातें नहीं करता है कि हमारे वक्त में गेहूं 4 रुपए किलो 2 रुपए किलो बिका करता था, सोना 57 रुपए तोला था। कहते जो बीत गया सो बीत गया, अगर तो प्राणी ही केवल रटे लगाता रहेगा उससे कोई कल्याण होगा नहीं। तो वर्तमान में जी, भविष्य की योजना बेशक बना पर चिंता नहीं कर, भविष्य भी परमात्मा ने ही केवल सहारना है। इसमें लिखा हुआ है एक दफा कुरान शरीफ में कि रोजी का जामन खुदा है, कि जिसने संसार में जन्म दिया उसके रोजी तो इंसान को प्रभु देगा, क्योंकि रोजी सबके लिए परमात्मा ने सब प्राणियों के लिए, मनुष्य है चाहे पक्षी है चाहे पशु है, सबके लिए रोटी भेजी है। पर यह अलग बात है कि जन्मा तो गाजियाबाद में, रोटी उसकी ऑस्ट्रेलिया में है, जन्मा दमोह में है, रोटी उसकी कटनी में, जन्मा तो मुजफ्फरनगर में, रोटी उसकी गाजियाबाद में। भाव कि जहां दाने वहां खाने, नान का सच यह कि जहां दाने जिसके डाले हुए हैं, जहां जिसके दाने रखे हैं उसे वहीं जाकर खाने पड़ेंगे। दाना चल के नहीं आएगा, मनुष्य स्वयं चल के उस स्थान पर जाएगा, जहां दाने वहां खाने, नानक सच के। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भक्त जो होता है वो वर्तमान में जीता है, वर्तमान से आगे योजना जरूर करता है पर चिंता से करनी, पास्ट की बातें भी ज्यादा नहीं। भगत जो है वो अकर्ता बन के रहता है, कर्तापन नहीं कि मैं ना होता तो मेरे बच्चे ये बन जाते, मैं होता तो मेरे बच्चे ये बन जाते, मैं होता तो मैं अपनी पत्नी की खूब ख्वाहिशें पूरी करता, मैं होता तो जग में ये यश कमाता, ये सब उसकी जो आशाएं हैं ये सब नहीं। वो अकर्ता बन के रहता है, कर्ता तो केवल एक ब्रह्म है, वही करने वाला है, बाकी स्वयं को कर्ता जो मानता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी कि आत्मा जो है ना लिप्त होता है, ना कहीं असंग रहता है, किसी संग को पकड़ता नहीं है। आत्मा अपने आप में चैतन्य सत्ता है, जबकि उसको मिला शरीर जो है संसार जड़ है, और जड़ के उसका संग है ही नहीं, कोई उसका वो लेप हो ही नहीं सकता, वो उससे अलग रहता है। ये महात्मा का बयान है। भक्त जो होता है वो तन मन धन इत्यादि को ईश्वर की अमानत समझ के प्रयोग करता है। ईश्वरवास का पहला ही मंत्र जैसे है कि जो कुछ तुझे मिला है वो किसी का नहीं, उसको केवल अमानत रूप में इस्तेमाल करना है, इसके अलावा अपना नहीं मानना। अपना मानते हैं तो छोड़ते हुए दुख होता है, तकलीफ होती है, जब अमानत के रूप में यूज होता है तो अमानत ही जब आके मांगे चल तैयार करें। इसके बाद जो भक्त होता है वो जाति मजहब वर्ण इन सबसे ऊपर रहता है, इनसे कोई इसका वास्ता नहीं, क्योंकि एक ईश्वर के संतान है, सब संतानें एक सी हैं। संत कबीर ने कहा कि 5 तत्व का पुत्रा रज बीरज की बूंद एको घाती उपजय ब्राह्मण क्षत्रिय सूत। तो कहो रे ब्राह्मण तू कहां से, अगर तू बहुत श्रेष्ठ है तू किसी और रास्ते से आता, तेरे अंदर बजाय खून के दूध बह रहा होता, ये सब आगे रहस्यवाद में मैं लूंगा। तो ये जो भक्त है वो हमेशा जाति मतलब वर्ण से ऊपर रहता है। जो भक्त होता है वो निंदा चुगली ईर्ष्या ये सब देश उसे नहीं सता, क्योंकि प्रेम में सब संभव, प्रेम में ये अलाव ही नहीं करता। पता नहीं लोग जिंदगी में किस तरह से नफरत और निंदा के समय निकाल लेते हैं, जबकि ईश्वर जितनी इतनी छोटी है, ईश्वर स्मरण से ही समय बचता नहीं। तो ईश्वर के साथ जो है, जो किसी मनुष्यों के साथ वो निंदा चगड़ी घृणा इत्यादि नहीं करता। भक्ति भक्त जो है उसकी भटकन समाप्त हो जाती, वो भटकता नहीं, कभी यहां दर्शन करने चले कभी वहां दर्शन करने चले गए। जैसे
किसी धर्म में संप्रदायों में ऐसा भी है कि वो जाकर के लगातार दर्शन करते हैं और सिवाय मूर्ति पूजा के वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बोले मैं जब निराकार के साथ जुड़ा हूँ जिसका कोई आकार ही नहीं है तो मेरे लिए कोई ऐसी भटकन नहीं है। जो भक्त होता है वो किसी किसी भटकन में नहीं रहता है। तो भक्ति जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसमें इंसान निरंतर ऐसा जीवन जीने वाला जो संत होता है वो भक्त कहलाता है। और भक्त सर्वत्र सदैव निरंतर इस रमे हुए राम के दर्शन करता है। सब अगट राम बोले राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजर चीटी भजन है बहु नाना रे। यानी सब तरह के घड़े सुराही और कुल्हड़ और चिलम ये सब बने हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं। अगर कुल्हड़ बेशक इस बात का अभिमान करता है कि मैं लोगों की सेवा करता हूं तो इसका अभिमान है, एक दिन टूटेगा। तू नहीं, मिट्टी ही सेवा करती है, तू पहले भी मिट्टी थी, आज मिट्टी है और कुल्हड़ आगे ही मिट्टी रहेगा, इसका कुछ भी नहीं होता है। तो भक्त जो है वो इंद्रियों को वश में करके जीता है। इंद्रियों का सुख केवल जो है केवल समय के लिए होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। आनंद हमेशा रहने वाला होता है। इस तरह से जो भक्त का जीवन होता है अपने आप में बड़ा विशाल जीवन होता है। तो भक्त केवल एक ही भक्ति करनी चाहिए ताकि ताकि उसी में जाकर के उसको आश्रय मिल। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूंगा और कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा। ओ डॉक्टर आर के काला साहब, आज आपने कबीर का मायावाद पाठ पाइप लिया जी। प्रणाम। प्रणाम। मैं आपने माता पिता का प्रेम और प्रभु का प्रेम अलग, आपने कहा मोह नहीं होना चाहिए। अब माता पिता के प्रेम के साथ तो मोह भी है, और माता मेरे हिसाब में जो मैं क्योंकि जैसे निराकार है तो मैंने आज तक अपने जीवन में 70-72 साल हो गए, मैंने कभी किसी भगवान की मूर्ति मतलब के अपने भक्ति में अपने ध्यान में मैंने कभी किसी की मूर्ति सामने नहीं लाई सिवाय अपने माता पिता के, तो उसमें मोह तो है। तो आप इसको दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं, प्रभु की भक्ति और माता पिता की भक्ति में? ऐसा है ऋषि जी के साउंड में ख्याल से नेट प्रॉब्लम हो गया, कनेक्शन का कुछ गड़बड़ है जी। वो प्रश्न इतना टफ था कि वो कनेक्शन खत्म हो गया। नहीं टफ नहीं था, वो कालरा साहब जवाब देने जा रहे थे। नहीं ये बड़ी बड़ी एक लगे, मैं अपने जीवन के बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी स्वाय माता पिता के मेरे दिमाग में कभी इससे ऊपर कुछ नहीं आया कभी। और भक्ति भी करता हूँ, साधना भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, ऊपर भी पहुंच चुका हूँ, लेकिन वापस भी आता हूँ, लेकिन इसको कैसे कंपेयर किया जाए? चलिए पांडा आप ही जवाब। नहीं वो मैं तो उत्तर अपनी तरफ से दे ही दूंगा, लेकिन कालरा साहब उत्तर दें तो अच्छा। कालरा साहब कहाँ रहे थे? कालरा साहब का कनेक्शन कट गया। आ गया आ गया आ गया आ गया। आवाज कालरा साहब आवाज खोल लें। हाँ जी ऐसा है देव जी, क्योंकि ईश्वर ने जो व्यवस्था संसार की बनाई है वहां माता पिता का मोह तो जरूरी है, क्योंकि बच्चे का पालन तभी होगा, तभी इंसान अपने कारण पर जाए कर्म करने जाएगा, पैसा कमाएगा, ताकि बच्चों का आगे पालन पोषण संभव हो सके। पर इस मोह में आसक्ति ना हो कि बच्चा बड़ा हो गए मुझे सेवा करके ला के देगा, मुझे खिलाएगा। अगर ऐसा मोह है, ऐसी आसक्ति है, ऐसा राग है, तो ये मोह है, इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम तो यानी स्वार्थ मांगते ही नहीं है, बच्चे की सेवा बच्चे की तरह कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज बनता है बस। इसके बाद तो, आशा रखना, लेकिन ये तो लेकिन ये तो भगवान भी चाहता है, आप कहता मेरी शरण में आ जाओ। हम भगवान की शरण में क्यों जाएं? भगवान ना देखा ना सुना, हमने तो माता पिता को ही देखा। अगर माता पिता नहीं होते तो मैं संसार में तो नहीं आ सकता था। मेरे लिए तीसरा और कौन है? माता पिता हैं।
देखिए अगर घड़ा है तो कुंभकार है ना, अगर अगर माता पिता हैं तो उनके भेजने वाला भी कोई है। अगर हम अपने धर्म को, मुझे मुझे उससे वास्ता नहीं है, मैं तो भक्ति की बात कर रहा हूँ। माता पिता तो जब तक है वो संसार में एक इट इज़ अ लिविंग गॉड्स। देखिए ऐसा है, they are living gods। देव जी अगर एक पिता ये कहता है कि मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहता हूं और उसकी जो पुत्र वधु है वो गर्भिणी है, तो वो शरीर छोड़ेगा, पोता ही वो दादा ही पोता बन करके आएगा, क्योंकि जहां पर मोह होता है वहां पर लौटना पड़ता है। तो मोह जो है, मोह आसक्ति है, प्रेम तो अलौकिक है, मोह संसारिक है, बेशक माता पिता का भी। तो अलौकिक प्रेम जो वो तारता है, और जो जो संसारिक प्रेम है बेशक जरूरी है, पर ये मारने वाला है। आपने तो अखबारों में हम लोग देखते रहते हैं रोज, कभी माता पिता की लड़ाई हो रही है, पिता बेटे की, माता पिता। परमात्मा से भी अगर मोह नहीं किया, सिर्फ प्रेम किया, इसको दो बहुत बारीक लाइन है प्रेम और मोह में। बेशक मैं परमात्मा की, मैं परमात्मा से प्रेम भी करता हूँ और मोह भी करता हूँ, अगर मोह छोड़ दूं तो प्रेम नहीं होगा। देखो मोह में ना कई फॉर्मेलिटीज हैं, जो कर्म कांड करते हैं, पहले नहाना है, पहले वंदन करना है, पहले टीका करना है, ये सब बातें नहीं, उसका जिक्र करता ही नहीं हूं मैं, उसका नहीं जिक्र। बेशक ठीक बात है। तो मैं तो ये समझ पाता हूँ कि मोह जो है माता पिता का वो नहीं, माता पिता को श्रद्धा, उन पर श्रद्धा हमारी बराबर हो, पर उनसे उनसे मोह करना जो है वो ठीक नहीं है। श्रद्धा हमारी जैसे इनके प्रति है वैसी ईश्वर प्रति होना चाहिए। तो श्रद्धा तो माता पिता तो है, तो दोनों दोनों बराबर हैं। हाँ बराबर तो है, बेशक यही है कि एक लौकिक है, प्रेम अलौकिक है, ये लौकिक है। पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी जी मैं कालरा साहब के वक्तव्य के आगे टिप्पणी नहीं दूंगा, मेरा जब स्वतंत्र होगा तो मैं इसका उत्तर मेरे दिमाग में है। चलो ठीक, लेकिन कालरा साहब के आगे ऐसा है जो तर्क एक सेकंड में दो मिनट में आप सामने रखते हैं, उनके उत्तर एक दो मिनट में नहीं दिए जा सकते। संदर्भ में कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसका उत्तर और तरह से सोचता हूँ, लेकिन कालरा साहब का वक्तव्य चल रहा है तो उन्होंने जो कहा वही उचित रहेगा, मेरा कहना ठीक नहीं। मैं तो कालरा साहब का पूरा सम्मान, उनकी बातों को बिल्कुल वजनदार जो उन्होंने कहा सही। चलिए इशारा ही दे देता हूँ कि यदि मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहता है तैतरीय उपनिषद, तो कर्तव्य भावना और मोह, आप मोह को क्या समझते हैं, आपका दृष्टिकोण है। मैं मोह को क्या समझता हूँ, मेरा दृष्टिकोण है। कालरा साहब ने जो मोह की बात कही वो क्या कही वो कालरा साहब स्पष्ट करेंगे। तो आप ये बता दें कि आप मोह का मतलब क्या समझते हैं? मेरा मोह का मतलब प्रेम है। बात खत्म हो गई। जब आपने मोह को प्रेम कह दिया, जब आसक्ति को आप प्रेम कहते हैं, तो बात ही खत्म हो गई, फिर प्रश्न क्यों उठाते हैं? यहाँ मोह का मतलब और है, जब कर्तव्य भावना जो है वो होना, अनासक्त भावना होना और आसक्ति होना, इस सब में अंतर है बारीक। बात क्या है, मैं क्या समझता हूँ, आप क्या समझते हैं? आप जब मोह और प्रेम को एक ही मानते हैं, बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल 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 सही। चलिए धन्यवाद जी, जी सर। हाँ सर पांडे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर आर के कालरा साहब का, बहुत मजा आया आज के वक्तव्य में, अच्छा लगा। कालरा साहब ने प्रारंभ में ही कहा कि मेरी सीरीज का, मेरी जो श्रृंखला है इसका नाम कबीर का दर्शन होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अलग अलग पक्ष कबीर के लिए, गुरु सेवा से भक्ति की बात की, ये भी कहा कि अंत आ जाएगा तो कैसे आप भजोगे। जब कालरा साहब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मुझे संस्कृत के उपनिषद, शंकराचार्य के चरपटिका स्तोत्र, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, ये सब सामने याद आ रहे थे। कहने का मतलब ये कि जब कोई संत सात्विक आत्मा विचार करती है तो एक ही तत्व को उसका उद्घाटन होता है, चाहे वो संस्कृत में कहे, चाहे वो गुरुमुखी में कहे, चाहे जैसे इन्होंने उर्दू में कहा उर्दू में कहे, या कबीर अपनी फक्कड़ी भाषा में कहे।
कितनी अच्छी बात कही कि सभी का नाम एक ही है, एक ही प्रभु के होना चाहिए। जब तीर्थ का अभिमान करे फिर प्रेम की बात लाए, और पद्मनाथ का अच्छा कथानक बताया। मैंने नहीं पढ़ा है, जो आपने जहां पढ़ा हो तो बहुत मुझे नई बात लगी कि बात क्या कहे कि पढ़ समझे या समझ पढ़े। कहने का मतलब ये है कि हम में जो वाक्ता वाच या वाणी में शब्दों में मैं बोलता हूं, यदि वो मेरी समझ में नहीं आया, उतरा नहीं, समझ का मतलब उतरा नहीं, तो व्यर्थ है। यही एक प्रयास होना चाहिए कि उतर जाए किसी तरह से। एक इष्ट पे विश्वास करने की बात कही, फिर जब भक्त की बात आई, वो प्रेम की बात पहले कही, जिसपे हमारे ऋषि देव ऋषि जी भी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रेम भक्ति है, प्रेम श्रद्धा है, प्रेम समर्पण है, प्रेम मोह से अलग है। लेकिन देव ऋषि जी के शब्दों में मोह प्रेम है, तो वो उनके अपना सोच है, लेकिन जो हमारे कालरा साहब कहना चाहते हैं वो आसक्ति की बात है। और भक्त जो है सब जगह प्रभु को देखता है। कुछ बातें बड़ी अच्छी कही कि जैसे गीता में कहा, न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहता मेरे भक्त का नाश नहीं होता, कभी पतन नहीं होता, भक्त समदर्शी होता है, भक्त में भटकन नहीं होती और कर्तृत्व भाव नहीं होता। बड़ी प्रसिद्ध लाइनें कही, पिताजी भी बहुत कहते थे कि राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यो भी भाव हुआ है और यो भी भाव हुआ है। जब हम इस विचारधारा को अपना लेते हैं तो काफी बोझा हमारे सिर से उतर जाता है, चिंताओं का जो हो रहा है, बहुत ही अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है। और मरने से मुक्ति के बारे में भी कह दिया, सारे उपनिषद कहते हैं कि मरने से परमानंद है। कुल मिला के बहुत ही आनंददायक और बहुत ही प्रेरणादायक वक्तव्य था। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर कालरा साहब के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी इसी तरह से हमें उनके वक्तव्य सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कालरा साहब। धन्यवाद आदरणीय अरविंद पांडे साहब। कल से हमने एक नया चीज स्टार्ट करी, एक विचार के साथ में जो है समाप्त करेंगे, और तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। और अगर कालरा साहब परमिट करें तो इसको अन्यथा ना लें, तो आपने दो जगह जैसे फिक्र और जिक्र का जिक्र किया, फिक्र और जिक्र, तो एक लाइट मूड में है। किसी ने कहा कि काम की तो फिक्र कर, काम की तो फिक्र कर, फिक्र का तो जिक्र कर, काम की तो फिक्र कर, फिक्र का तो जिक्र कर, काम करे ना करे, काम करे ना करे, जिक्र का होगा सर। क्या बात, बहुत अच्छी। चलिए आज का विचार है मत डरो। आज का विचार है मत डरो, इस बात से मत डरो, इस बात से मत डरो कि आप दूसरों से हार जाओगे, इस बात से मत डरो कि आप दूसरों से हार जाओगे, इस बात से डरो, इस बात से डरो कि सबको खुश करने के चक्कर में रहे तो आप अपने आप से हार जाओगे। इस बात से डरो कि सबको खुश करने के चक्कर में रहे तो आप अपने आप से हार जाओगे। आइए तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी लोग अनम्यूट करिए ताकि सामूहिक साधना हो जाएगी। शांति।